ग्राम पंचायतों के मतदान के अंतिम दिन हमीरपुर जिला में 81 पंचायतों के 457 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मतदान प्रक्रिया में सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई। मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करवाया गया और वोट करने पहुंचे मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा हैंड सैनिटाइज भी करवाए गए हैं। इस दौरान जहां बुजुर्गों में मतदान करने का उत्साह था, वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में भी भारी उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान कर रहे निशांत असले सिंह ने बताया कि उन्होंने पहली बार मतदान किया है और वे मतदान करने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी पंचायत में ऐसा प्रत्याशी चुनके आए जो पंचायत का विकास करवाए। पहली बार पंचायती राज के मतदान में भाग ले रहे हैं और प्रशासन की व्यवस्था काफ़ी सराहनीय है, जैसा कि वो एक बढ़िया तरीके से हमें पहले सैनिटाइज करवा रहे हैं। अंदर जो पोलिंग ऑफिसर्स ड्यूटी पे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बुजुर्गों को युवाओं को गाइड कर रहे हैं कि यहाँ ये मत पेटी है, इसमें आपको पर्चियाँ डालनी है, तो प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही सराहनीय है। देखिए जी, भारत की त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था में पंचायती राज एक सबसे निचले स्तर की स्वायत्त इकाई होती है। स्थानीय उम्मीदवार जो कि एक जमीन से जुड़ा हुआ हो और पूरी पंचायत में उसकी स्वच्छ छवि हो, ऐसा उम्मीदवार हमें चुनना चाहिए। हम एस ले वर्मा है और मैं फर्स्ट टाइम वोट डाल रहा हूँ। प्रशासन की कोविड-19 से बहुत बड़ी तैयारियाँ की जा रही हैं और अच्छे ढंग से स्कैनिंग वगैरह और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है और मतलब अच्छा पालन है कोविड-19 से लेकर। जो हमारी 5 साल प्रॉब्लम सुने और ईमानदार हो, बिल्कुल अच्छा हो, मतलब बढ़िया। जी, मेरा नाम अंकुश शर्मा है, मैं जो सुल्तानी से हूँ। प्रशासन की तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ। अच्छी तरह से इधर स्क्रीनिंग हो रही है और हैंड सैनिटाइजर का यूज़ हो रहा है अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तैयारियाँ यहाँ पे वोटिंग करने के लिए। प्रतिनिधि जो काम करने वाला हो, बढ़िया हो, कर्मठ हो, उस तरह का प्रतिनिधि चुनने में हम साथ देंगे उसका। वहीं स्थानीय निवासी गोपाल सिंह ने बताया कि पंचायत कोविड के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण सुचारू रूप से चल रही है। प्रेमचंद है, प्रशासन तैयारी अच्छी है, बहुत ठीक से है। ईमानदार और मेहनती आदमी जो पूरी 5 साल मेहनत करे और अच्छा काम करे और ईमानदार भी हो। कला देवी 82 साल। आज आप वोट डालने आई है? हाँ जी, वोट डालने। हाँ, जेड़ा काम करे जी।